खबर है मध्य प्रदेश से, जहां बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के विधायक ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खरसोत कला में विधायक मुरली मोरवाल के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। विधायक का कहना है कि दिनों दिन पेट्रोल डीजल गैस की टंकी के भाव बढ़ते जा रहे। विधायक का कहना है कि मोदी और शिवराज ने चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, वह वादे कहाँ गए। विधायक ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद गरीब गरीब जनता होते जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। जब मीडिया के द्वारा विधायक को पूछा गया कि बड़नगर शहर के गांव में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या बड़नगर में कांग्रेस के विधायक हैं इसीलिए नहीं आ रहे हैं। विधायक मुरली मोरवाल ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम सब दूर गरीब प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, पर वह नहीं हुआ। विधायक का कहना है कि जहां जहां हमारी कांग्रेस सरकार है वहां पर हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात के कारण हम जनता को केंद्र सरकार के कोई भी योजना का लाभ नहीं दे पा रहे। बड़नगर शहर के विधायक मुरली मोरवाल के द्वारा महंगाई को लेकर बड़नगर शहर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए उज्जैन से राधेश्याम सावरा की यह रिपोर्ट। जब के भाव और आज के भाव डबल हो गए हैं, तेजी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो झूठ बोलते हैं वो जनता को गुमराह करते हैं, किसानों को गुमराह करते हैं। इसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हमने धरना आंदोलन रखा था। हम चाहते हैं कि भाव कम हो। इसके बाद से हम बड़नगर में एक भव्य बड़ा प्रोग्राम हम रख रहे हैं। इन अधिकारियों उनकी नींद हराम करेंगे और नेता उनकी नींद हराम करेंगे। अरे वो तो सरकार ये चाहते हैं कि हमने किसानों के भाव बढ़ा दिए, इसीलिए मैंने हमारी बड़े कांग्रेस के फसल के भाव बढ़ाए। उनका ये क्यों? सब गलत बोल रहे हैं। किसानों परेशान है। आज सात सात महीना आठ आठ महीने से पंजाब की बॉर्डर पे और दिल्ली की बॉर्डर पे किसान तीन काले कानून को लेके धरना आंदोलन कर रहे हैं। उन मोदी की नींद नहीं खुल रही है, उन लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज हजारों वहाँ पे हजारों लोग धरना आंदोलन बैठे हैं और कम से कम 200-400 लोग मर चुके हैं। उसके बाद भी मोदी सूद नहीं ले रहा है कि उन किसानों से मैं बात करूं और तीन काले कानून वापस करूं। सर अभी जो हम बढ़ने का शहर के गाँव गाँव में, तो गांव का ये कहना कि हमारी बाबूजी से एक ही बात जरूर पूछाना कि हमारे जो गरीब के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो क्या हमारे विधायक जी कांग्रेस जी आए क्या इसीलिए भेदभाव हो रहा कि हमारे मकान नहीं बन रहे, कि मतलब क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी हजारों मकान की, हर विधानसभा के अंदर हजारों वो प्रधानमंत्री आवास बनेंगे, एक भी नहीं बन रहे और सबके साथ पक्षपात हो रहा है। हाँ तो यही वो किसान गरीब कांग्रेस का है, तो इसका नाम प्रधानमंत्री के अंदर नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए। कुटी के अंदर बीजेपी का है उसका आना चाहिए, और वो भी नहीं आ रहे तो उस कांग्रेस वाले का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ तो बाबू जी उनसे यही कहना कि हमारे विधायक जी कांग्रेस का है, तो क्या इनके साथ पक्षपात हो रहा क्या, इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा? ये बीजेपी की सरकार है, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर उन लोगों